नियो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाने वाले और डायमंड्स माइन करने जाएंगे पहले, उसके बाद डायमंड का आर्मर बनाएंगे और हम लोग फॉर्चून 3 के पिकैक्स के साथ जाएंगे माइन करने, ठीक है ना। तो चलो, काफ़ी दिन से इसके इंतजार था और काफ़ी मस्त होने वाला है ये पार्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले काफ़ी सारे बंदे मेरे को ये बोल रहे हैं ना कि मैंने जो पिछले वाले पार्ट में जो एक्सपी फार्म बनाया था ना, ये वाला एक्सपी फार्म क्रिएटिव मोड में जाकर बनाया था। लेकिन नहीं, ये देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं क्रिएटिव मोड में नहीं गया था, यहाँ मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से सेटिंग्स में आता हूँ, ये देखो मैं अभी सर्वाइवल में हूँ, सर्वाइवल ही खेलता हूँ, ना ही इस वर्ल्ड की कॉपी बनाता हूँ, ना ही कुछ करता हूँ। ये देख लो, अभी भी हार्ड मोड है, सर्वाइवल है, तो नहीं मैं क्रिएटिव मोड में नहीं जाता, ये भी देख लो। एंड देखो एक और बात भाई, आप लोग गलत फहमी मत समझो, किसी के बात में मत आओ कि मैं क्रिएटिव मोड में आता हूँ, नहीं क्रिएटिव मोड में नहीं जाता। तो चलो हम लोग अपना काम करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, विलेज में जाते हैं, विलेज टाउन में, और दिखाता हूँ आप लोगों को दो विलेजर्स जिन्होंने मेरे को फॉर्चून 2 की पिकेक्स देंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले ओपन करते हैं, खुल जा। और ये देखो यहाँ पर दो लाइब्रेरियन मैंने बनाए थे और काफ़ी देर इनके साथ गुफ्तगू करने के बाद मेरे को ये देखो एक बंदा यहाँ पर फॉर्चून 2 की पिकेक्स दे रही है 29 एम्ब्रेस में, काफ़ी ज़्यादा है। इसका भी एक सॉल्यूशन मेरे पास है, दो फॉर्चून 2 की पिकेक्स ले लूँगा ना तो फॉर्चून 3 की पिकेक्स बन जाएगी। तो दो बुक मेरे को लेने हैं फॉर्चून 2 की, और ये वाला विलेजर भाई पूछो भी मत। चलो, और ये भी देखो इसको, और ये वाला, हाँ ये दे रहा है क्विक चार्ज 3, काफ़ी महंगे महंगे आइटम्स हैं। तो मैं क्या करने वाला ना, पहले तो ये क्या कर रहा है, ओके ये भाई कुछ नहीं दे रहा। हाँ मैं क्या करने वाला ना, पहले मैं इन पर रेड करवाऊँगा। ऐसा मेरे पास में ये एक क्या कहते हैं उसको, आउटपोस्ट है प्लेजर का, उससे मैं यहाँ पे पहले वो कराऊंगा, रेड कराऊंगा, देन इसके बाद ये वो कर देंगे, कम कर देंगे ना प्राइस, इसके बाद मैं बाय करूँगा। एंड गाइस, जो मैं पिछले वाले पार्ट में मैंने एक्सपी फार्म बनाया था ना, ये वाला, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने भी यहाँ से कुछ एफके किया तो मेरे को काफ़ी सारे आइटम्स मिले थे। ये देखो अभी भी दो गन पाउडर इसमें ऑलरेडी है, ये वाला तो खाली है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे घर पे जाके यहाँ पे बोट सब कुछ लेके आ चुका हूँ, ये देख लो यहाँ पे बोट वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया। अब क्या करने वाला ना, अब चलते हैं हम लोग प्लेजर आउटपोस्ट पे और वहाँ पे हेड को मार के यहाँ पे रेड करवाते हैं। ये वाला शील्ड हटाओ पहले। एंड ये देखो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, माउंटेन ठीक उसके पीछे, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं पहले। ओके, तो यहाँ मैं प्लेजर आउटपोस्ट के पास आ ही चुका हूँ और यहाँ देखो काफ़ी सारे वुल्फ थे, तो मैंने सोचा इनको एक बार ये पेट बना लेते हैं। एक बोन था मेरे पास तो मैंने किया, ओ भाई ये तो ट्रेड भी हो, अरे ये तो भाई फ्रेंड भी हो चुका है। चलो यहाँ के सामने ये बस अब थोड़ा सा दूर और है, तो यहाँ से फटाफट से जाता और यहाँ पर जाता प्लेजर आउटपोस्ट के पास, और यहाँ पर बहुत नज़दीक ही है। अभी ये क्या है, अच्छा माइनक्राफ्ट, अरे वाह यहाँ पर देखो ट्री भी है, काफ़ी अच्छा माइनक्राफ्ट है। खैर कोई ना, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट में ले लिया है, अच्छा है यार। खैर कोई ना, चलो चलते हैं यहाँ से फटाफट से प्लेजर आउटपोस्ट के पास। काफ़ी दूर तो नहीं गया लेकिन बहुत आगे में आ चुका हूँ, ये जंगल के रास्ते आया था, मैं दूसरे रास्ते से पहले गया था लेकिन इस बार मैं अजीब ही रास्ते से आ रहा हूँ। चलो देखते कहाँ पर मिलता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं प्लेजर आउटपोस्ट के पास आ चुका हूँ भटकते भटकते। एंड मेरे को बस अभी मेरा डॉग यहाँ बैठ जा भाई, अब बस मेरे को क्या करना है, उनको हेड को मारना है और मेरे को वो लेना है और रेड, तो चलते हैं डायरेक्ट पहले उनका हेड ही मारूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। फटाफट से जाता मैं, ऊपर ही स्पॉन होते हैं वो लोग, तो जल्दी ले जाते हैं। ये देखो काफ़ी बड़ा प्लेजर आउटपोस्ट और काफ़ी अच्छी जगह भी है। यहाँ पर आयरन गोलम थे पहले, तो मैंने उनको हटा दिया था, यहीं से मैं इंटर कर दिया था। अभी ये तोड़ो, ये भी तोड़ो, यहाँ से मैं फटाफट से जाता भाई, मेरी एक्स भी ख़त्म होने वाली है, फटाफट से जाऊँगा, बस उनके हेड को मारना है। मेरे पास है कुछ, ओके शॉट तो मैंने लाया नहीं, एक्स से ही काम चल जाएगा। ऊपर है मेरे, आवाज़ भी आ रही है, ओके ये रहा ये रहा ये रहा, राइट में था, क्या करता भाई चेस्ट, अरे यार वो मार, अरे हट, मार नहीं लग रहा, अभी रुक जा भाई, काफ़ी सारे आ गए, काफ़ी सारे आ गए, देख मुझे बस इनका हेड को मार रहे, अबे रुक जा, वो भाई एन्चेंटमेंट वाली इसको भाई, रुक जा भाई, अभी तू जॉम्बी, अरे जॉम्बी भी मार रहा, अभी ये ओ गया, यस मेरे को रेड मिल चुका है इसको, अरे मार भाई। ओके मेरे को एक बैनर भी मिल चुका है, सब देखो फालतू का, अभी ये ले लेता मैं। इनके चेस्ट में यार कुछ नहीं होता, फालतू की चीज़ होती है, ये क्रॉसबो ले लेता काम आएगा मेरे को, स्ट्रिंग भी ले लेता और कुछ नहीं, हटो। और भी मेरे को साउंड तो आ रही, इसके आसपास भी बंदे हो सकते हैं, अभी दो ही तीन थे, ज़्यादा नहीं स्पॉन हुआ था, पता नहीं क्यों, मैंने पिछले बार आके मारा भी था इनको। ओके देखो कितने, अभी मेरे पास आर्मर बहुत सारे हैं, ये सब मेरे को वो देते हैं जॉम्बी हार्ड मोड है ना। ओके और यहाँ पर एक बैनर है, ये ले लेता मैं, ये काम आएगा, इसको मैं अपने घर पर लगाऊँगा। ओके और भी है क्या कोई, नहीं अरे लगता कोई नहीं, वो अरे
नहीं, कोई नहीं, एक मेरे को साउंड तो आ रही है मगर एक की पता नहीं कहाँ पड़े। खैर कोई ना, यहाँ से निकलते हैं। अब मैं यहाँ से ज़्यादा रुकूंगा नहीं, मेरे को डायरेक्ट अपने विलेजर के पास जाना और रेड मरवाना है। तो फटाफट से मैं अपने घर पे जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पर रेड। ऑलमोस्ट मैं यहाँ अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ और ये देखो मेरा एक्सपी फार्म काफ़ी भरा है ना। और यहाँ से मैंने कुछ शुगर केन भी लाया था, ये सब मैं बाद में लगा दूंगा। तो चलो गाइस अपने घर पे चलते हैं और अपने विलेजर्स पे रेड करवाते हैं और रेड विन करके उनसे लेते हैं फॉर्चून 2 की बुक्स। 2 बुक्स लूँगा मैं और काफ़ी सारे एमरल्स भी आ जाएंगे अगर मैं उनसे ट्रेड करूँगा तो। तो फटाफट से जाता देखता हूँ यहाँ पर कहाँ पर मेरे को मिलता है भाई रेड, आएगा कि नहीं। रेड भाई आजा आजा, आ चुका, यस रेड आ चुका है। गाइस मैं क्या करता फटाफट से घर पे जाता हूँ, ऊपर जाता मैं, ऊपर से ही मारूंगा इनको। मेरे पास क्रॉसबो भी है भाई, बहुत जल्दी आ रही है यहाँ पे। अभी लगभग मेरे को 6 रेड तो आएगी। फटाफट से क्या करता इसको लो और कुछ अपने जो आइटम्स होते हैं वो से मैं ले लेता हूँ, वो ले लेता एंड शील्ड भी ले लेता। एंड यहाँ से मैं ऊपर जाकर मारूंगा, पहले यहाँ से इसका एक ब्लॉक में तोड़ता ऊपर जाऊंगा, ऊपर से एरो से मारूंगा क्योंकि उनका जो सांड आते हैं वो सब भाई बहुत गंदा मारते हैं। तो मेरे पास उतना ओके वो है पानी में, भाई पानी में तो मारना आसान हो जाएगा यार। मेरे पास बो वगैरह है कि नहीं है। ओके गाइस तो ऊपर से नहीं मर रहे थे बंदे यार, तो मैं नीचे आ चुका था क्योंकि मेरा बो नहीं पहुंच रहा था। तो मैं क्या करता स्वॉर्ड से ही मारता फटाफट से, आयरन की स्वॉर्ड तो है ही मेरे पास, 2-3 है, 2-3 तो आयरन। अबे ये क्या, अबे ये क्रॉसबो से मारेगा, हट यहाँ से, हट अबे हट हट। ओके गाइस तो क्या करता मैं इन सबको पहले मार देता, मैं रेड ख़त्म करता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता, ठीक है ना। ओके गाइस तो मैंने सब कुछ को तो मार दिया लेकिन ऑलमोस्ट 5 रेड्स मेरे पे आए थे, 5 से भी ज़्यादा रेड आ चुका था। अभी देखो 2 बंदे बचे हैं और मेरे देखो मैंने एक दो बार मर भी चुका था, मेरी सारी एचपी गई। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 जादूगर है, ये देखो ये अरे यही मार रहे थे बार बार, इनको मैंने बहुत हिट दिया, हट। ओके ये अभी टोटम ऑफ अंडाइन, मेरे को बहुत सारे एमरल्स मिले, बहुत कुछ मिला है। और इनका एक बंदा यहीं पर आसपास है, वो रहा मेरे को दिख गया यहाँ पर, यहाँ पर ये देखो जादूगर, ये बहुत मारा मेरे को, देख लो मेरी एक्सपी भी बहुत। अरे हट यहाँ से, हट वो एमरल्ड टोटम ऑफ अंडाइन। ओके जीत गई, यस विक्ट्री। टोटल देखो 5 रेड्स मेरे पे आए थे, 5 बहुत ही ज़्यादा, मेरे को बहुत टाइम लग चुका है इनको मारने में। और देखो मैं मर भी गया था, मेरी एक्सपी भी बहुत ख़त्म हो चुकी थी और मेरे विलेजर्स तो सेफ है ना भाई। फॉर्चून वाले विलेजर कहाँ गया भाई, लाइब्रेरियन कहाँ था मेरा, ये था ना, ओ यस ये था, 21 एमरल्ड में और फॉर्चून 2। ओके नाइस, ओके देखो यार मैंने विक्ट्री कर दिया। अरे ये विलेजर इतने नठल्ले हैं ना, एक भी आयरन गोलम इन्होंने स्पॉन नहीं किया, मगर कोई ना मैंने अकेले इनको मार दिया। अब क्या करते चलो फॉर्चून 2 की बुक्स लेते हैं। तो मैं क्या करता पहले घर पे जाता, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या आइटम्स आए। ये ही नहीं दे रहा था फॉर्चून, नहीं ये तो क्विक अभी 24 क्यों था, हाँ ये था फॉर्चून 2 वाली एमरल, कितने 21 और एक बुक। ओके मेरे को 2 चाहिए, मेरे पास बहुत सारे एमरल्स, मैं आप लोगों को दिखाता उनको मारा था ना मैंने, क्या कहते हैं जो रेड करने आता है ना उनको मैंने बहुत मारा सभी। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे एमरल ड्रॉप ही करते हैं, हार्ड मोड है तो भाई ऑलमोस्ट सब कोई एमरल ड्रॉप करते हैं। मेरे पास टोटम ऑफ अंडाइन बहुत सारे, मैं आप लोगों को दिखाता मेरे को क्या क्या मिला। पहले इसको खोलता हूँ, मैंने सारे एक चेस्ट में रखा हुआ है और इस वाले में, हाँ ये देखो 15 एमरल्स है, अरे 15 नहीं और थे यार, ये देखो कितने सारे टोटम ऑफ अंडाइंग है। और ये देखो पोशंस, ये एक्स वगैरह, क्रॉसबो, ये सब उन्होंने दिया है मेरे को। ये देखो सैडल, ये टोटम ऑफ अंडाइन, 16 एमरल्ड है, नहीं 16 से भी ज़्यादा, तो मैंने और भी कहीं रख दिए थे, मैं बार बार मर रहा था ना। मेरे और भी एमरल्स नहीं मिल रहे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए थे और एमरल्स है मेरे पास, लगभग 30 एमरल्स थे। तो मैं देखता कहाँ पर मैंने रखे, इस चेस्ट में तो 16 है और भी मेरे पास एमरल्स है, लगभग मेरे पास 30 एमरल्स थे, मैं मर भी गया था बार बार। एंड ये एक तो 17, ये देखो 2 मिला था, मैं देखता कहाँ मैंने रखा है, बहुत सारे मैंने एमरल्स इकट्ठा किए थे। इसमें भी नहीं है यार, भाई मेरे पास 2 चाहिए था फिर ट्रेड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी, अबे यार कहाँ मैंने पैनिक में रखता है, मैंने कहीं गिरा दिया पता नहीं, मेरे को दिखा नहीं, मैं जल्दी लिख कर रहा था ना इसमें। ओके हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया भाई। देखो मैंने बोला था ना 19 एमरल्स यहाँ तो मेरे को मिले थे और ये देखो टोटल मेरे पास 36, यस 36 एमरल्स आ चुके हैं। अब मैं आराम से 2 बुक्स ले पाऊँगा और ये देखो कितने सारे टोटम ऑफ अंडाइन बुक्स, आर्मर, सैडल एंड मेरे को मैन्यूअल्स बहुत कुछ मिला था। एंड ये सब मैं पहले ले लेता, ये भी ले लेता और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और ये पिलेजर आउटपोस्ट मैं घर के बाहर लगाऊंगा, तो यहाँ से इसको खोलो एंड यहाँ पे मैं इसको कहाँ लगाऊँ, ओके यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एक लगा था एंड यहाँ पे एक लगा दिया, अब अच्छा दिख रहा है। ओके तो यहाँ मैं विलेजर के पास जाता हूँ और सारे बुक्स को बाय करता हूँ, मैंने बुक्स भी ले लिए, एमरल भी ले लिए, उनसे 2 फॉर्चून की बस बुक्स लेने हैं। कौन था विलेजर भाई, लाइब्रेरियन यही था क्या,
चल भाई दे मेरे को बुक्स, यही बुक है क्या? अबे नहीं 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 ये तो क्विक चार्ज है, नहीं ये नहीं लेना भाई, मेरे को दो लेना है फॉर्चून चाहिए था। हाँ ये था, दे 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 दे, ओके दो आ जाएगा क्या? एक और जाएंगे मेरे को दो, यस दो मेरे को फॉर्चून टू की पिकैक्स मिल चुकी है। एंड ये देखो भाई तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हो भाई, चुराया नहीं है मैंने, मैंने खरीदा भाई, एक तो जिता दिया मैंने, तुम लोग तो इतने निठल्ले, एक आयरन गोलम भी स्पॉन नहीं किया। खैर कोई ना, इसको हटाओ एंड चलते हैं अपन पिकैक्स को अपग्रेड करते हैं फॉर्चून थ्री की पिकैक्स के साथ, डेस्टिनी के साथ। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर दोनों को मैं कंबाइन क्या करते हैं उसको कंबाइन करूँगा ना बुक्स को, तो फॉर्चून थ्री बन जाएगी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक एनविल बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एनविल भी नहीं है, तो यहाँ से मैं पहले आयरन से ले लेता हूँ ये सारे, कितने सारे आयरन से। तो यहाँ पर मेरे को एनविल बनाने के लिए क्या चाहिए, यहीं पर सर्च करता एनविल, ANVIL, ओके। तो एनविल बनाने के लिए मेरे को चाहिए 3 ब्लॉक्स ऑफ आयरन, ओके काफ़ी सारे मेरे पास आयरन हैं, तो यहाँ से मैं ब्लॉक बना लेता आयरन के। तो यहाँ से आयरन, ओके ये रहा ब्लॉक्स, मेरे को बस 3 चाहिए, 1 2 3, अभी 4 आ चुका। खैर कोई ना, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए एनविल। तो एनविल 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 कहाँ गया, ओके ये रहा एनविल। ओके गाइस हमारा एनविल भी बन चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं फटाफट से अपने एनचेंटिंग रूम में चलते हैं, वहाँ पर एनविल को प्लेस करते हैं। तो मैं एनविल पहले यहाँ पर आ जाओ भाई, इसको कहाँ में रखूँ, ओके फूल के पास रखूँगा यहाँ पे, ये देखो मस्त यहाँ पे एनविल अच्छा लगेगा। अब मैं क्या करता पहले, अब मेरी डायमंड की पिकैक्स दो भाई, ओके ये रहा। अब मैं क्या करता इसको एनचेंट करता, अबे पहले मैं बुक को कंबाइन करता ना, कहीं एक गलती ना हो जाए यार मेरे से। पहले यहाँ पे फॉर्चून थ्री की बुक मैंने बना ली, अब मैं इस डायमंड पिकैक्स को यहाँ रखता एंड इसको यहाँ रखता, ओके 7 कोस्ट, ओके ठीक है। पहले जॉम्बीज मार के आते हैं, लेवल अप करते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ रात भर यहाँ पे जॉम्बीज मारे और ये देखो मेरा 7 लेवल भी हो चुका है। यहाँ देखो एक क्रीपर अभी भी यहाँ पर घूम रहा था, तो मैंने पानी डाल दिया था, इसको ले लेता हूँ पहले। अबे अबे इसको ऐसे नहीं मार पाऊँगा, पहले पहले इसको पानी को पहले ले ही लेता, पता लगा मैं ही ना फूट जाऊँ, यहाँ से मैं इसको ले लेता। अबे आ जाओ, हाँ पानी भाई बेकार है, इसको हटाओ। अबे फूटना मत भाई, बहुत अच्छे से मैंने क्लीन किया है, फूट मत। एक और हीट, यस गया। यहाँ देखो यहाँ कितने सारे मैंने जॉम्बीज मारे थे, बहुत सारे जॉम्बीज भी मारे थे। अब चलते हैं हम लोग अपना फॉर्चून थ्री की पिकैक्स बनाने। दे भाई पिकैक्स तो मेरा दे दे, तो मेरा पिकैक्स क्यों ले लेता बार बार, दे दे। अबे अबे पैंट नहीं, पिकैक्स हाँ मिल चुका मैंने उसकी पैंट ही उतार दी, ओके। यहाँ पे मैं इसको रखता है एंड यहाँ पर डायमंड पिकैक्स पहले इसमें रख के देखता है इसमें क्या दे रहा है मेरे को, सिल्क टच एफिशिएंसी अनब्रेकिंग नहीं नहीं चाहिए, ओके इसी में ही रख के डायक में फुल्ली एनचेंट करता है इसको फॉर्चून थ्री से। ये रहा हमारी फॉर्चून, इसका नाम मैं दे सकता हूँ क्या कुछ, नहीं लेवल 8 कॉस्ट मांग रहा है यार, कॉस्ट ज़्यादा हो जा रहा है, और कहीं ना ऐसे ही एनचेंट करते हैं, पता लगा मेरे लेवल्स भी बहुत कम है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे भाई डायमंड पिकैक्स एंड फॉर्चून थ्री, एंड ये रहा फॉर्चून थ्री की पिकैक्स फुल्ली एनचेंटेंट वाली, ये देखो मस्त लग रही है ना। अब गाइस हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं हम लोग अपने डायमंड्स माइन करने। मैंने बहुत सारे डायमंड्स को इकट्ठा करके रखा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं ये लेता, अब मैं चलूँ आप लोगों को डायमंड्स दिखाता मैंने कहाँ कहाँ डायमंड्स को रखा है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे मैंने पहले से डायमंड्स को इकट्ठा करके रखा था। तो पहले तो यहाँ देखो, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पे मैं माइन कर रहा था कबल स्टोन्स के, जो एक्सपी फार्म बना रहा था, और यहाँ पे मेरे को नीचे भी काफ़ी सारे डायमंड्स मिले थे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत माइनिंग की थी ऑफलाइन, आप लोग सोचते हो कि मैं ऑफलाइन खेलता नहीं, बहुत ऑफलाइन खेलता हूँ। ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता, नीचे ही है यहाँ पे, बहुत नीचे, बहुत नीचे, लगभग 6 लेवल पे थे, वहीं पे मेरे को डायमंड्स मिले थे, यहीं पर आई गेस, ओके ऑलमोस्ट पहुँच गया। ये देखो ये रहे हमारे डायमंड्स, ये मैंने कबल स्टोन माइन करा था तब मेरे को मिला था, ये देखो 9 लेवल पे है, यहाँ से इसको माइन करता है 1 2 3 4 5 6 7 मैंने माइन किया, और देखते कितने मिलते मेरे को। तो मेरे को यहाँ टोटल मिला है 19 डायमंड्स, यस ये देखो यही होती है फॉर्चून 3 की पिकैक्स का कमाल। अब चलो मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर जाके और भी मैं आप लोगों को डायमंड्स दिखाता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ मैं अपने दूसरी केव के पास आ चुका हूँ, जो मेरा दूसरा वाला माइन है। ये देखो यहाँ पर भी सबसे पहले वाले मैंने यहाँ पर डायमंड्स खोजा था, आप लोगों को पिछले वाले पार्ट्स में पता ही होगा। तो यहाँ से ठीक आगे है दो जगह है लगभग, देखो एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट निशानी लगा कर रखी थी, इसके ठीक नीचे, इसके नीचे यहाँ पर 2 डायमंड्स है। पहले मैं हटाओ इसको, टॉर्च रखो, यहाँ पर इसके ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैंने ये सब है ना बहुत ऑफलाइन खेल खेल के यहाँ पर इकट्ठा किया था। आप लोगों को पता है Y=6 पे अब डायमंड्स मिलते हैं, यहाँ पर थे क्या, नहीं अरे यहाँ पर थे क्या डायमंड्स, नहीं यहाँ पर नहीं थे, नहीं 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 यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर नहीं थे, इसको और नीचे जाना है गाइस, मेरे को पता नहीं उतना मैं भूल चुका हूँ।
बहुत दिन हो चुके थे ना, मैंने एक दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में या फिर सेकंड पार्ट में डायमंड्स खोज कर रखे थे। यहाँ पर टॉर्च लगाओ, अंधेरा ना हो जाए। यहाँ पर नीचे, ओके हाँ नीचे, यहाँ पर देखो मैंने कबल स्टोन, काफ़ी सारे कबल स्टोन्स भी लगा कर रखे थे इसके ठीक नीचे। ओके हम लोग पहुँच चुके हैं, वो देखो सामने डायमंड्स। यहाँ पर दो तरफ मेरे को डायमंड्स मिले थे, ये एक ये रहा, इसको भी फटाफट से माइन कर लेते हैं। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अभी मेरे पास 23 है, हम देखते कितने मिलते हैं अभी। 31, 32, ओके 32, भाई बेड रॉक आ गई। और भी इंटर नहीं है इधर, नहीं इधर और नहीं डायमंड्स। चलो अब लोग इसके ठीक राइट में मेरे को यहाँ से मैं गिरा था, और यहाँ पे मेरे को देखो यहाँ पर भी मिले थे, और ठीक है यहाँ पे मेरे को डायमंड्स मिले थे। ये देखो यहाँ पर ही है, ये देखो यहाँ पर है ना, और यहाँ पर गैस चार थे, ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ से 2, 3, 4, अरे 5 है। अभी कितने मिलते हैं मेरे को, 35, 40, 41 डायमंड्स। और भी है क्या, नहीं इधर और नहीं है। अब हमारा जो मेन केव है ना, वहाँ पर थे डायमंड्स, 2 डायमंड्स थे। तो वहाँ पर भी आप लोगों को जल्दी से जाता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके तो यहाँ मैं अपने फर्स्ट केव में आ चुका हूँ, यहाँ से मैं आया था। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे बहुत आगे मेरे को एक बड़ी से केव में मिले थे डायमंड्स, जो फर्स्ट पार्ट में ही मिला था मेरे को, वो मैंने अभी तक छोड़ के रखा है। यहाँ से ठीक सामने 2 जगह, 2 नहीं 3 जगह है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने छोटा सा माइन किया था। ये देखो यहाँ पर एक ये वाला है, इसके यहाँ पर ज़्यादा नहीं था, यहाँ पर भी 5 से 6 थे। तो ये भी ले लेता एंड ये भी ले लेता। अब देखो कितना आ गया मेरे पास, 45, 47, 50, 51 डायमंड्स। ये इसको बोलते हैं ना ओपी डायमंड्स माइनिंग। अब यहाँ से ऊपर जाता, अभी एक और जगह, एक नहीं 2 और जगह मैं आप लोगों को दिखा था। मैंने बोला ना बहुत सारे मैंने डायमंड्स खोज के रखे थे, यहाँ पे और नहीं ना डायमंड्स, नहीं नहीं है। अब यहाँ से ठीक आगे जो सबसे पहले हम लोगों ने डायमंड्स खोजा था, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फटाफट से मम्मी पर जाता जंप करके, भाई जंप में तो बहुत स्पीड बढ़ जाती है। ये देखो ये रही हमारी मेन डायमंड्स। यहाँ पर देखो मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी रखा हुआ है, इसको भी माइन करते हैं। ये लो लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो एंड ये भी ले लो। अब कितने आ गए मेरे पास डायमंड्स, देखो कितने सारे हैं, 64। एक स्टैक ऑफ डायमंड हो चुका है, अभी एक और डायमंड का और बच रहा है। इधर ही कहीं था, मैंने यहीं पर कहीं छोड़ा था इसको, अभी स्केलेटन है वहाँ पर। भाई भाई मैंने सील भी नहीं लाई, भाई मार मत दियो, मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स। हट अबे हट जा, हट यहाँ से हट। ओके बोन दिया, बोन ले लो। ओके ये रही, ये लास्ट वाला डायमंड था, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ के रखा था एंड इसमें से मेरे को 2 मिले। अभी मेरे पास कितने हैं, ओ 5। ओके 64 स्टैक एंड मेरे को 5 यहाँ पर डायमंड्स मिल चुके हैं। अब ऊपर चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपना फुल डायमंड का आर्मर बनाते हैं। यहाँ पर कहीं डायमंड है क्या, नहीं है। और अभी ऊपर क्या है भाई, वहाँ पर डायमंड, नहीं नहीं डायमंड्स नहीं है, वाइन है वो तो, छोड़ कोई ना। अब जाते हैं हम लोग अपने घर की तरफ, घर पे जाते हैं और फुल डायमंड का आर्मर बनाते हैं। ये क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेता मैं, बहुत पहले से मैंने इसको रखा था। और ये देखो कितने सारे डायमंड्स है। अब चलते हैं हम लोग अपने घर की तरफ। और ओके तो मैं घर की तरफ आ चुका था और ये देखो रात भी हो गई थी इसीलिए मैं सो गया था। अब देखो मैं क्या करता, यहाँ पर बनाते हैं अपने डायमंड्स के आर्मर। तो भाई इसमें पहले तो मैं क्या लाता ना, वो लाता क्या कहते हैं इसको, स्टिक्स नहीं थे मेरे पास यार, मैं भूल जाता हूँ। अबे गिर क्यों रहा है भाई, जल्दी जल्दी चलो, यहाँ पे स्टिक्स है क्या, अबे इसको इसी में रख दूँ क्या। ओके तो मैं घर से यहाँ से स्टिक ले लिया हूँ, काफ़ी सारे स्टिक्स है, 3 स्टिक्स में काम हो जाएंगे। तो चलो क्या करते हैं ना, पहले तो हम लोग आर्मर बनाते हैं। ये देखो डायमंड्स, तो पहले तो मैं क्या करता, पहले बनाता एक चेस्ट प्लेट। तो यहाँ से बनाता पहले चेस्ट प्लेट, ये देखो डायमंड की चेस्ट प्लेट यहाँ से बना लेता। फिर इसके बाद बनाता मैं हेलमेट, आ जा भाई तू भी। अब यहाँ से मेरे को बनाना है एक पैंट बना लेता। अब मेरे को बनाना है बूट्स, ये बूट्स भी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं स्वॉर्ड बना लेता हूँ एक, और एक एक्स, बस इतना काफ़ी। ये सबको मैं एन्चेंट कर दूँगा नेक्स्ट पार्ट में। ये देखो गाइज हमारा फुल डायमंड का आर्मर और वेपन्स हो चुके हैं। आप लोग बताओ यार, पहले ये सबको हटा देता मैं, हट जा तू भी भाई, तू हट ऊपर जा ऊपर। अभी ये पहन क्यों रहा हूँ मैं, इसको हटाओ, इसको भी हटा दो एंड हम लोग पहनते हैं अपने डायमंड्स के आर्मर। इसे मैं हटा देता भाई, अब आयरन के कौन इस्तेमाल करेगा, ये सब पहन लेते हैं। अब हम लोग इजीली यहाँ पर नेदर में भी जा पाएंगे। ये भी हटा देता, इसको हटा, अभी ये आयरन के हटा दो। यहाँ पे मैं क्या रखता कि फूड, ये देखो 40 अभी भी डायमंड्स हमारे पास है, काफ़ी सारे अभी डायमंड्स है। और यहाँ पर टॉर्च रखो, ये देखो गाइस अब तैयार हो मेरा देखने के लिए फुल डायमंड का आर्मर। ओके तो ये देखो हमारा फुल्ली डायमंड का आर्मर विथ पिकैक्स फॉर्चून 3 वाली, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यार, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। सो गाइस तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेरे को कमेंट बताना कि और क्या करना चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।